माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास चाइल्ड ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। फिर से उसी टॉपिक्स पे आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर पे आते हैं। अभी आप लोगों का सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को मैं एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज मैं फिर से उसी वीडियो को लेकर आया हूँ। चलिए आगे तैयारी करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हमारे हैं यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन यानी ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ हैं इसको देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग इस पॉइंट बाय पॉइंट को सबको आप लोग टच करेंगे, सबको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला, इट इन्वॉल्व्स नो और लीस्ट एक्सपेंसेस। यानी कहने का मतलब ये है ना कि ओरल कम्युनिकेशन में कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका कोई एक्सपेंसेस है क्या? बस डाटा जा रहा है, ठीक है। और देखिए क्या है ना कि अगर आप सामने फेस टू फेस बात करेंगे, क्या उसमें कोई एक्सपेंसेस लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें बहुत कम एक्सपेंसेस होता है, या तो बिल्कुल भी एक्सपेंस, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है। नंबर सेकंड, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यानी ओरल कम्युनिकेशन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा समय को क्या करता है? बचाता है। नंबर थर्ड, इमीडिएट फीडबैक इज कलेक्टेड एंड मैसेज कैन बी इनकोडेड अकॉर्डिंगली। यानी तुरंत कोई फीडबैक होता है, हम उसको तुरंत कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपसे पूछा बेटा मैंने कैसे पढ़ाया, आपने कहा सर बहुत अच्छा टॉपिक्स आपने क्लियर करवाया, सर मुझे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फीडबैक क्या होता है वो हमें तुरंत मिल जाता है, क्लियर है ना। और मैसेज जो होते हैं वो हमारे अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही साफ सुथरे होते हैं। नंबर फोर पे देखते हैं कि इंटरपर्सनल नेचर डेवलप्स रिलेशंस, मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, हेल्प्स इन मेकिंग डिजाइंस एंड परसिव, यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन के, उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे सभी ऑडियंस जो हमारे होते हैं उनके लिए यूजफुल हो सकता है। साथ साथ इसमें टीम वर्क अच्छा होना चाहिए और टीम वर्क को ये बढ़ावा भी देता है, ठीक है। कोई डिसीजन होता है हम उसको तुरंत बना सकते हैं, तुरंत किसी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके क्या क्या भाई हानि है उसको देख लेते हैं। इट हैज़ नो लीगल वैल्यू। अभी जैसे आपने कॉपी पर कोई चीज़ लिखा है, मैंने लिखवा दिया तो उसका कोई वैल्यू है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। आपने बातों को सुना, लेकिन अगर मैं क्या एक महीने बात पूछूं आप उस चीज़ को, अगर बातें आपको नहीं क्लियर है तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैंने क्या बताया था? यानी लीगल वैल्यू कोई नहीं होता है। इट हैज़ नो इम्पॉर्टेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब लॉ में अगर मैंने जैसे कहा ना, कभी मैंने आपको एक खींच के साथ चाटा मार दिया, आप भाई गए बोले सर सर ने मुझे चाटा मार दिया, अब आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको चाटा मारा है ना, या मैंने आपको ओरल कोई बातें कह दिया, आपने जाके घर पे कहा कि सर ने आज ऐसे ऐसे बोला है, इस तरह से बोला है, तो कोई उसका भाई प्रूफ है क्या? नहीं है ना। तो कह रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो लॉ के जो कोर्ट होते हैं ना, जहाँ पे केस जो भी लड़ा जाता है, वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। नंबर सेकेंड, नो लाइबिलिटी, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी एंड रिफरेंस वैल्यू ऑन वॉट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन करते समय आप लोगों ने किस किस चीज़ों पर सहमत जताई है, ठीक है ना, इसका कोई क्या इस तरह से हमें क्या कोई मान सकता है कि आपने क्या क्या चीज़ें उनके लिए हाँ किया है या ना किया, कोई समझ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। नंबर थर्ड, ग्रेटर स्कोप फॉर एरर्स ड्यू टू पुअर कॉम्प्रहेंशन एंड फॉरगेटफुलनेस। यानी यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा गलती करने का स्कोप होता है, कि हमारा जो हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई चीज़ उस वक्त माइंड में नहीं आता है, जो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। नंबर फोर क्या है, नॉट यूजफुल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब नंबर सेकेंड हम पढ़ेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन के ही अंतर्गत आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन आप लोग हेडिंग डालेंगे, याद रखिए एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हेडिंग डाल के आपका सारा पॉइंट टच करना है, मैंने पहले ही बोला है। डिसएडवांटेज में भी सारा पॉइंट आपको क्या करना है, टच करना है। रिटन कम्युनिकेशन देख लेते हैं, यानी रिटन कम्युनिकेशन क्या, यानी लिख कर जब हम कोई चीज़ बातचीत करते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिटन वर्ड, मोस्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन इज फॉर्मल, लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, न्यूज लेटर्स, रिज्यूम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है बेटा, बिल्कुल लीगल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। हम एक रूप में कह सकते हैं कि लीगल कम्युनिकेशन है, क्यों? क्योंकि भाई हम लिख कर किसी भी चीज़ को रखते हैं ना, वो हमारे पास प्रूफ पड़ा रहता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं रिटन वर्ड, इन्वॉल्व होते हैं यानी कोई वर्ड लिख कर इन्वॉल्व किया जाता है। मोस्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन, इस प्रकार के जितने कम्युनिकेशन होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है ना।
लेटर्स हो गया, लेटर रिपोर्ट हो गए, नोटिस हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, रिज्यूम हो गए, ये सब क्या है? ये सब रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। क्लियर सभी लोगों का? अब इसके एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, राइटिंग हैज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टाइम फॉर द चॉइस ऑफ सुटेबल वोकैबुलरी एंड टोन ऑफ द मैसेज। मैसेज कैन बी रिवाइव्ड एंड रिवाइज्ड बिफोर सेंडिंग। कोई मैसेज अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हम उसको सबसे पहले, ये हमारा चॉइस होगा कि हम उसको सेंड करने से पहले एक बार देख लें, एक बार उसको सही कर सकते हैं, एक बार उसको फिर से बना सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास एडवांटेज हो सकते हैं और हम साथ साथ उसमें कोई अच्छे वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे वर्ड डाल सकते हैं। तो लिखने में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे चॉइस होते हैं कि हम उसको किस प्रकार प्रेजेंट करें। क्लियर है? नंबर सेकंड, इट इज़ लीगल, लीगली एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एक्सक्यूटेड इन प्रॉपर वे। यानी अगर कोई कोई भी हमारा दस्तावेज अगर हमारे पास है तो कोई रिटन कोई चीज़ है तो वो लीगली एक्सेप्टेड होता है, उसमें कोर्ट में उसको लीगल तरीके से उसको दस्तावेज को शामिल करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, लॉन्गर मैसेज कैन बी कन्वेड इन रिटन फॉर्म। यानी रिटन फॉर्म में बहुत लंबे समय तक मैसेज को रखा जा सकता है। रिटन मैसेज कैन बी सेव्ड फॉर लेटर रेफरेंस, बाद में यूज करने के उद्देश्य से भी रिटन मैसेज को रखा जा सकता है। रिटन मैसेज कैन बी डुप्लीकेट एंड डिस्टर्बड, यानी जो रिटन मैसेज होते हैं उनका डुप्लीकेट भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना, और उसको बनाकर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांट भी सकते हैं। रिटन मैसेज हेल्प बिल्डिंग अप गुडविल एंड इमेज ऑफ द सेंडर। जो रिटन मैसेज होता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंडर है एंड इमेज ऑफ द सेंडर, उसकी ख्याति को हम क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। विद रिटन मैसेज कम्स अकाउंटेबिलिटी। यानी रिटन मैसेज से क्या होता है कि कोई भी कह सकते हैं कि कोई एरर करने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। रिटन मैसेज में कोई एरर करने का चांस नहीं होता है। जो राइटिंग में दस्तावेज मौजूद रहते हैं वो कैसे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन इज टाइम टेकिंग, सबसे पहला, टेक्स लॉन्ग फॉर टेकिंग डिसीजंस, समटाइम्स दे कैन बी मिसइंटरप्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ इमोशंस एंड पर्सनल टच, मे इन्वॉल्व्स कॉस्ट इन ड्राफ्टिंग एंड सेंडिंग द मैसेज, इट इज अनसुटेबल फॉर इलिटरल पीपल, कॉन्फिडेंटली कैन बी कम्प्रोमाइज विथ रिटन कम्युनिकेशन। यानी इसमें क्या हो सकता है कि एक तो बहुत ज़्यादा समय ले सकता है रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा कि डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय लग सकता है, तीसरा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें इमोशन, भाव का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रिटन करते समय वो भाव हमें नज़र नहीं आता है, वो इमोशन हमें नज़र नहीं आते हैं, कोई पर्सनल टच अगर हमें करना हो तो वो भी नहीं नज़र आते हैं। नंबर फोर में कहा था कि इसको भेजने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है, ठीक है, लेटर भेजते थे उसमें भी कॉस्ट लगता था, कोई मैसेज सेंड करे उसमें भी कॉस्ट लगता है। और नंबर फाइव पे कह रहा है कि ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, इनके लिए ये सही नहीं माना जाता है, ठीक है। और नंबर आप लोगों का अगला पॉइंट कह रहा है कि कहीं ना कि कॉन्फिडेंट होने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना कि हम किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, रिटन कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपसे सामने से बात करूंगा तो मैं किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट रहूंगा, लेकिन मैं अगर लिख कर वही चीज़ दूंगा तो आप क्या समझेंगे कि सर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको लिखे हैं, यही समझेंगे सर लिख के दिए, बात खत्म। समझ में आ गया? तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे रिटन कम्युनिकेशन के। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक्स, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग, ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स लिसनिंग अटेंटिवली एंड सिंसियरली। यानी जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जब क्लास में मैथ का क्लास चलता है या किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चलता है, जब आपको सर बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि बहुत ही ध्यान से बातों को सुनते हो। क्लियर है? अगर वही चीज़ लिख कर आप लोगों के पास भेज दिया जाए तो क्या उतना आप लोग एक्टिव रहोगे सुनने में? बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज़ कह रहा है कि सुनने में ना एक्टिव लिसनिंग यानी सुनने में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल उस चीज़ में, ठीक है। आगे, क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर अ स्मूथ एंड सक्सेसफुली वर्बल कम्युनिकेशन, सेंडर, स्पीकर एंड रिसीवर लिसनर शुड बी क्लियर ऑन द एजेंडा एंड पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी जब बातें हो रही हो, जब कम्युनिकेशन चल रहा हो, वर्बल कम्युनिकेशन जब चल रहा हो, तो उस समय सेंडर या स्पीकर, भेजने वाला या बोलने वाला, रिसीवर या लिसनर, प्राप्त करने वाला या सुनने वाला,
का एक क्लियर उद्देश्य होना चाहिए कि उसके बात करने का पर्पज क्या है, उसके बात करने का उद्देश्य क्या है। कहा है कि शुड बी क्लियर ऑन द एजेंडा एंड पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, कि उसको क्लियर होना चाहिए कि उसके बात करने का क्या पर्पज है, उसके मैसेज भेजने का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर थर्ड पे कह रहा है कॉन्साइज क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज। द स्पीकर सेंडर ऑफ द मैसेज शुड इंश्योर दैट द मैसेज सेंड शुड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। कभी कभी क्या होते हैं ना कि कुछ ऐसे वीडियोज बनते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कोई टॉपिक उन्होंने शुरू कर दिया, कोई बातें शुरू कर दिया, जैसे क्लास में क्या होता है, अब मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ बाद में आप लोग बताऊंगा कि क्लास में क्या होता है। कभी कभी कोई टीचर होते हैं जो कि अपना सिलेबस लेके चल रहे हैं, बीच बीच में उन्होंने क्या किया, टॉपिक चेंज कर दिया, किसी और टॉपिक पे चले गए, कहीं और की बातें बताने लगे, तो उससे क्या होता है, उससे डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं क्लास। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्पीकर और सेंडर होना चाहिए ना, वो बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए कि जो मैसेज भेज रहा है उसमें कोई अननेसेसरी चीज़ें ना हो, यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को मैसेज से अवॉइड कर देना चाहिए या उस चीज़ को वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी, यानी आप लोगों का जो लैंग्वेज होना चाहिए यानी जो शब्द भंडार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट जस्टिफाई द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें आप लोगों का जो ओरल लैंग्वेज होना चाहिए उसमें जो शब्द होने चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, और जो कॉन्टेक्स्ट आप लोगों का हो वो बिल्कुल महत्व होना चाहिए, जिसका कोई महत्व हो उस चीज़ को डालना चाहिए। बॉथ सेंडर या स्पीकर और रिसीवर या लिसनर क्या होना चाहिए, शुड शेयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब वो बातचीत कर रहे हो, चाहे वो सेंडर या स्पीकर हो, चाहे वो रिसीवर या लिसनर हो, जब वो किसी टॉपिक्स पे बात कर रहे हो तो उनका लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, जो दोनों को पता हो। यानी जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो रिसीव करने वालों का मेरा लैंग्वेज पता होना चाहिए, या तो मैं स्पीकर हूँ तो जो मेरा लिसन कर रहा है, जो मुझे सुन रहा है, हम दोनों का लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर कम्युनिकेटिंग और रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज सच एज। मतलब कि मैसेज भेजने से पहले या मैसेज कम्युनिकेशन करने से पहले इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी कम्युनिकेट करने से पहले अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। नंबर सेकेंड, एंटीसिपेट रिस्पॉन्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, यानी आप लोग बेटर कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए आप लोगों को। इंश्योर दैट एवरी वन इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ द बैकग्राउंड ऑफ वॉट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। यानी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। अवॉइड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, यानी अगर आप लोगों के आप लोगों से संबंधित कोई चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ये था आप लोगों का आज दो पेज का पार्ट, यानी पार्ट वन और पार्ट टू। तो आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाया जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हेडिंग आप लोग डालेंगे यहाँ पे इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अंतर्गत आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, जैसे एक्टिव लिसनिंग यहाँ तक लिखना है आप लोगों को, फिर क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड एंड पर्पज फॉर कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसका हेडिंग आप लोग यहाँ तक लिखना है, इसकी हेडिंग आप लोग यहाँ तक लिखना है, फिर आप लोग हेडिंग में इसको भी शामिल करिएगा, जैसे यहाँ से सो से लेकर सच एज तक, ठीक है, इसको भी हेडिंग में शामिल करिएगा, फिर ब्री प्रिपेयर्ड यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, नोट्स में बनाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक्स क्या रहेगा, हम किस टॉपिक्स पे पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ उसमें हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से होता है। फिर अगला टॉपिक्स हमारा आएगा विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी आप लोगों को क्लियर करवाने हैं, दो दो पेज में आप लोगों को एक एक वीडियो में लेकर चल रहा हूँ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए।